हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों ना, टॉपिक स्टडी इज़ अ पार्ट ऑफ एन अकेडमी ग्रुप। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टेस्ट को। आज के टेस्ट में हम देखने वाले हैं करंट अफेयर 2019 के टॉप 50% जो कि एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और इन 50 प्रश्नों में से आप कितने सही कर पाते हैं अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों वीडियो डेली रात को 9 बजे अपलोड होती है, तो आप इसको ज़रूर देख लिया करें और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ में अपने सभी ग्रुप में जरूर शेयर किया करें। आज के वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कल की वीडियो से क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है, विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने तबलसी ग्रैंड प्रिक्स 2019 में स्वर्ण पदक जीता है? तो अगर आपको राइट आंसर पता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा बजरंग पूनिया। इन्होंने 65 किलोग्राम वर्ग में फाइनल में ईरान के खिलाड़ी को हराकर 2-0 से हराकर यह पदक जीता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सौरभ वर्मा का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा बैडमिंटन, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में बनाई गई है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कोलकाता, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, वित्तीय वर्ष 2018-19 में किस राज्य की जीडीपी वृद्धि दर सबसे ज़्यादा रही है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा पश्चिम बंगाल। देखिए पश्चिम बंगाल की जो जीडीपी ग्रोथ रेट रही है वो रही है 12.58%, तो सबसे ज़्यादा रही है। दूसरे नंबर की अगर बात करें तो आंध्र प्रदेश की रही है जिसमें 11.02% रही है, और तीसरे नंबर पे आपका बिहार रहा है, बिहार की रही है दोस्तों आपकी 10.53%। तो ये तीनों आप स्टेट याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल याद रखिएगा, अगर एग्जाम में आता है तो आपको ऑप्शन डी आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, मरुस्थलीकरण रोकथाम पर UNCCD की COP14 का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? सो द राइट आंसर इज बिल्कुल सही दोस्तों, नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है? तो बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 12 अगस्त, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, किसानों को तकनीक से जोड़ने के लिए भू विज्ञान और कृषि मंत्रालय ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर रहेगा मेघदूत, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ पर मिशन रीच आउट शुरू किया है? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आंसर, आप जरूर याद रखिएगा। दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा जम्मू, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य में स्थित गोगाबिल झील को राज्य का पहला सामुदायिक रिजर्व घोषित किया गया? तो बिल्कुल सही है इसका, इसका सही आंसर रहेगा बिहार, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय रेलवे महात्मा गांधी की कौन सी जयंती को सामुदायिक दिवस के रूप में मनाएगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों 150वीं जयंती। ठीक है, और यह है आपका 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी की 150वीं जयंती मनाई जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत का पहला भारतीय कौशल संस्थान किस शहर में खोला जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों मुंबई, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे अधिक वेतन पाने वाले बैंक CEO कौन है? इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों आदित्य पुरी, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। देखिए ये HDFC बैंक के CEO है और इनकी जो मासिक वेतन है वो 89 लाख रुपीज़ है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 13 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2019 की शुरुआत की है? इसका सही आंसर रहेगा जल शक्ति मंत्रालय, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में किस शहर में 15 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, रायपुर इज द राइट आंसर, यानी कि ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 है, हाल ही में किस बीमा कंपनी ने जीवन अमर नाम की एक नई बीमा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों LIC। तो ये आप सभी को पता होगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 है, हाल ही में लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग्स पुस्तक किसके द्वारा लॉन्च की गई है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा अमित शाह, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, हाल ही में किस टीम ने अल्टीमेट टेबल टेनिस लीग 2019 का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों चेन्नई लायंस। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, 2019 में सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का दर्जा किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर रहेगा उत्तराखंड। अगर बात करें 2018 की, तो 2018 में दोस्तों MP यानी कि मध्य प्रदेश को यह दिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, जैव ईंधन नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों, तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा राजस्थान। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, जो अभी 10 अगस्त गया है दोस्तों, ये इस दिन ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को, तो उस दिन ये लॉन्च किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, श्रीदेवी गर्ल्स वुमेन सुपरस्टार पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा सत्यार्थ नायक, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को निम्न में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर रहेगा वीर चक्र, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, अलेजांद्रो जियामाटेई किस देश के नए राष्ट्रपति होंगे? इसका सही आंसर रहेगा ग्वेटमाला, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये मध्य अमेरिका में स्थित एक देश है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 23 है, हाल ही में किसने ऑपरेशन नंबर प्लेट अभियान शुरू किया? इसका सही आंसर रहेगा RPF ने। ठीक है, तो RPF इज द राइट आंसर। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य में रानीपेट और तिरुपट्टर नाम के दो नए जिले बने हैं? रानीपेट और तिरुपट्टूर नाम के दो जिले बने हैं, ये दोस्तों तमिलनाडु में बने हैं। तो देखिए जो जिले बनते हैं दोस्तों, वो स्टेट आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बन जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 है, हाल ही में किसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा K. Sivan, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। K. Sivan दोस्तों वर्तमान में इसरो के चेयरमैन हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26 है,
हाल ही में अंतर्राज्यीय परिषद का पुनर्गठन किया, इसके अध्यक्ष कौन हैं? तो इसका सही आंसर रहेगा, बिल्कुल सही है, नरेंद्र मोदी जी हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी कि ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे 27 है। किस भारतीय को एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन के एथलीट आयोग का सदस्य नियुक्त किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा पीटी उषा को, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है। किस राज्य की सरकार आदिवासी इलाकों में प्रशिक्षण देने के लिए आर्मी स्कूल खोलेगी? तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बिल्कुल सही है, गुजरात इज द राइट आंसर। ठीक है, और गुजरात की राजधानी आप सभी को पता है गांधीनगर है। मुख्यमंत्री कौन है? विजय रूपानी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत। चलिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों 29। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रमों का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर रहेगा विक्रम साराभाई को। तो बिल्कुल सही आप आंसर कर रहे थे यहाँ पे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो 12 अगस्त को इनके जन्म की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कब? 12 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 30 है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2019 की थीम क्या है? देखिए, एक तो आपको याद रखना है दोस्तों, युवा दिवस भी प्रत्येक वर्ष आपका 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। ठीक है, और इसका सही आंसर रहेगा ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन, यानी कि बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 31। हाल ही में चर्चा में रहा विरासत ए खालसा संग्रहालय किस राज्य में है? तो इसका सही आंसर रहेगा दोस्तों पंजाब, पंजाब इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 है। दोस्ती बस सेवा भारत और किस देश के बीच चलती है? देखिए, दोस्ती बस सेवा आपसे पूछी जा रही है, इसका सही आंसर रहेगा पाकिस्तान। दोस्ती बस जो सेवा है वो भारत और पाकिस्तान के बीच चलती है। क्वेश्चन नंबर 33 है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशभक्ति गीत वतन जारी किया गया, इसे किसने गाया है? तो इसका सही आंसर रहेगा जावेद अली ने। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर रहेगा हरियाणा, हरियाणा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 है। प्लानी मुरुगन मंदिर के पंचमृतम प्रसाद को भौगोलिक संकेत दिया गया, यह मंदिर किस राज्य में है? दोस्तों इसका सही आंसर रहेगा तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है। केंद्र सरकार ने मोटरसाइकिल पर यात्रा करते समय कितने साल से ऊपर के बच्चों के लिए हेडगियर अनिवार्य कर दिया है? राइट आंसर रहेगा दोस्तों आपका 4 वर्ष। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 37 है दोस्तों। लेसन्स लाइफ टोट मी अननोइंगली किसकी आत्मकथा है? इसका सही आंसर रहेगा अनुपम खेर। ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 38 है। हाल ही में
किसे दोबारा से भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम का कोच नियुक्त किया गया? एंड द राइट आंसर इज रवि शास्त्री, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 39 है, सरकार ने रक्षा क्षेत्र में कौन सा नया पद बनाने की घोषणा की है? सो द राइट आंसर इज CDS, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। ये देखिए, ये CDS जो का जो पद है ये तीनों सेनाओं के प्रमुखों से ऊपर होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी CDS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक दशक में 20,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? फर्स्ट बैट्समैन टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रन्स इन अ डिकेड। सो द राइट आंसर इज विराट कोहली, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 है, सर्च सर्वेक्षण 2020 के तहत घरेलू कचरे को उठवाने के लिए कौन सी मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है? सो द राइट आंसर इज सर्च नगर ऐप, यानी कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 है, मोटर स्पोर्ट्स का विश्व खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा ऐश्वर्या पी से, यानी कि ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी की पहली महिला अध्यक्ष कौन होगी? इसका सही आंसर रहेगा चंद्रिमा साहा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए दोस्तों, ये 7 क्वेश्चन कम है 50 में, तो ये शायद कुछ प्रॉब्लम रही है कलेक्ट करने में। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरीके से मैं आपको जो मंथ की करंट अफेयर होती है, एक्चुअली ये जो करंट अफेयर मैं लेके आता हूँ ये वीकली होती है, ठीक है। जो सैटरडे संडे को आपको करंट अफेयर मिलती है, वीकली करंट अफेयर मिलती है। अब कल भी मैं करंट अफेयर ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि करंट अफेयर का बहुत सारा पोर्शन आपका बचा हुआ है। तो टेंशन मत लीजिए, अगर आप डेली वीडियोस देख रहे हैं तो आपको धीरे धीरे करके मैं सब कुछ कवर करा दूंगा जो अभी तक का करंट अफेयर है। बट आपको वीडियो मिस नहीं करनी है, एक भी दिन की वीडियो मिस नहीं करेंगे तो आपको सब कुछ कवर हो जाएगा। अगर किसी भी एक दिन की वीडियो मिस करते हैं तो कुछ ना कुछ आप मिस कर जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन रखिए, 9 बजे आप आके विजिट करके वीडियो को देख लिया करें। अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं, टॉपिक स्टडी को फॉलो करना चाहते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे, अगर आप मुझे फॉलो करना चाहते हैं ट्विटर इंस्टाग्राम फेसबुक पे, तो बस आपको सौरभ मलिक नाम सर्च करके मुझे फॉलो कर लेना है। जो भी आप मैसेज करेंगे मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।